प्रिय जिज्ञासु, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह विषय बहुत ही विचारणीय है, गंभीर है। और सार गर्भित है। अभी इस वर्ष सन 2018 31 जनवरी को संत रविदास जयंती पूरे देश में मनाई जाती है, भारतवर्ष में। सज्जनों, संत रविदास कौन थे? सब लोग जानते होंगे कि संत रविदास वाराणसी काशी के ग्रामीण क्षेत्र गोवर्धनपुर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता संतोख दास जी हुए। जातिगत व्यवस्था के अनुसार उनका जन्म निम्न जाति में हुआ था। यद्यपि संत तो संत हैं, तो फिर उनकी कोई अन्य दूसरी जाति तो हो नहीं सकती है। यह चर्चा इसलिए जातिगत व्यवस्था की क्योंकि एक बहुत बड़ी क्रांति संत रविदास के माध्यम से आई। जब वो छोटे थे तो उनका एक मित्र था जो कि जाति से ब्राह्मण था, श्रेष्ठ जाति का था। उनके मित्र का पिता का नाम पंडित शारदानंद, जो कि एक विद्यालय चलाते थे, शिक्षा देना, शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करना उनका कार्य था। अपने पुत्र को एक निम्न जाति के बालक के साथ खेलते हुए देखकर पहले तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसी उनकी दृष्टि संत रविदास पर गई, संत रविदास को देखते ही उन्होंने संत रविदास के भीतर जो आध्यात्मिक ज्ञान का सागर था उसे भी देख लिया और समझ गए कि इस बालक के माध्यम से कोई आध्यात्मिक क्रांति, एक भक्ति क्रांति समाज में आएगी। और रविदास को अपनी पाठशाला में उन्होंने प्रवेश दे दिया, उन्हें शिक्षा दी। समाज के अन्य कई ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया, जो नहीं चाहते थे कि भाई ऐसा हो, लेकिन संत रविदास आगे बढ़े, प्रभु की भक्ति से जुड़ गए, गली गली गांव गांव में जय श्री राम का जय घोष, जो भी रविदास से जुड़ता, रविदास के प्रभाव से जुड़ता, वो शब्द राम भक्त बन जाते। श्री राम भक्ति का जय घोष चारों तरफ लगना शुरू हो गया। जय श्री राम चारों तरफ ये जो गूंज थी वो घूमने लगी। पूरे समाज में एक तरह से एक प्रचार, एक धर्म प्रचार, एक भक्ति प्रचार, जो कि जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर था। संत रविदास के अनुयायी और उनकी टोली में प्रत्येक जाति के लोग थे, निम्न लोग को, जाति जिसको निम्न हम कहते हैं, प्रत्येक कर्म करने वाले प्रत्येक जाति के लोग, कोई व्यापारी है, कोई किसान है, कोई चमार है, कोई कुम्हार है, कोई केवट है, नाव खेने का कार्य करता है, कोई व्यापारी है, तो कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, प्रत्येक जाति के व्यक्ति उनसे जुड़ने लगे। राजा पीपा भी उनके पास गए उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, उनसे जुड़ने लगे और उन्होंने लाभ प्राप्त करना शुरू किया। आध्यात्मिक लाभ उनके जीवन में आया, ध्यान सुमिरन इन सब से वो जुड़े, नाम जाप नाम सुमिरन से जुड़े और ध्यान साधना में लीन होना वो शुरू कर दिए। लोगों को बड़ा आनंद आने लगा, लोगों का जीवन सुधरने लगा और एक बहुत बड़ी क्रांति छिड़ गई। लेकिन कुछ समाज के कुछ लोग जो कि ये नहीं चाहते थे, क्यों नहीं चाहते थे, प्रश्न ये उठता है कि भाई चाहते क्यों नहीं थे? वो क्यों नहीं चाहते थे कि संत रविदास समाज में कोई क्रांति लेकर आए, संत रविदास के माध्यम से लोगों का कल्याण हो? यहां तक कि काशी के बड़े बड़े ब्राह्मण जो थे वो संत रविदास के अनुयायी बन गए।
लेकिन कुछ लोगों को बड़ी समस्या हुई और उन्होंने जाकर काशी नरेश से, एक छोटी सी घटना आती है रविदास के जीवन में कि बड़ी समस्या हुई और काशी नरेश से जाकर उन्होंने शिकायत कर दी कि भाई ऐसे ऐसे व्यक्ति निम्न जाति का, ये प्रभु की पूजा करता है, अपने घर में ही भगवान राम का मंदिर बना लिया इसने, ऐसे मंदिर बनाएगा तो हर व्यक्ति बनाएगा अपने घर में, जो बाहर मंदिर है वहां कौन आएगा। तो इस तरह की कई बातें मन में आ गई लोगों के, लेकिन यहां तो संत रविदास ने क्रांति छेड़ दी थी। राजा को पता चला, काशी नरेश को पता चला, संत रविदास राजा के दरबार में आए, जो ब्राह्मण, जिन ब्राह्मणों ने उन पर मुकदमा किया था, केस किया था, उनके साथ उनके चर्चा हुई, शास्त्र चर्चा हुई, एक तरह का शास्त्रार्थ हुआ। रविदास ने अपने विचार रखे, उन्होंने ब्राह्मणों ने अपने विचार रखे, जो काशी नरेश थे वो संत रविदास के विचारों से बड़े प्रभावित हुए, वो बड़े असमंजस से पड़ गए कि मैं इस व्यक्ति को सजा कैसे दे सकता हूं, इसके विचार इतने श्रेष्ठ हैं, इतने उच्च कोटि के विचार हैं, मैं इसको सजा नहीं दे सकता। तो क्या विकल्प निकाला उन्होंने कि चलो भाई, जिसकी भक्ति में शक्ति होगी वो पता चल जाएगा। ऐसा करते हैं कि अगर रविदास गलत है शास्त्रों के अनुसार या किसी अन्य कारण से जो ब्राह्मण लोग उन पर आक्षेप लगा रहे हैं, तो गंगा जल के अंदर सभी अपनी अपनी इष्ट की भगवान की मूर्ति लाएंगे और जिसकी मूर्ति गंगा जी में तैर गई वो निश्चित ही भगवान का भक्त होगा। चलो एक मापदंड, एक कथा आती है वैसे तो ये, लेकिन इसके माध्यम से हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। सब अपनी अपनी मूर्तियां लाए, कुछ अपने मूर्तियों में कपड़े लपेट कर लाए ताकि वो डूबे ना जल्दी पानी में, डूबेगी तो थोड़ा देर से डूबेगी, थोड़ी भी तैर गई तो हो सकता है कि हम अपनी आवाज को ऊंची कर लें। और संत रविदास अपने ही घर के में जो उन्होंने मंदिर बनाया था भगवान राम का, उसमें 40 किलो की लगभग वजनदार मूर्ति थी, वो वही उठाकर लाए। लेकिन कथा यही आती है कि संत रविदास की मूर्ति तैरी लेकिन बाकी सारी मूर्तियां उसमें डूबती गई। तो ये भक्त की शक्ति थी, संत रविदास की मूर्ति तैर गई। चलो ये कथा आती है, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि विरोध क्यों, संत रविदास का विरोध क्यों, क्या धर्म प्रचार, या यद्यपि धर्म प्रचार करना सबके वश की बात नहीं है, कोई कहे कि मैं जो है, क्योंकि ये कोई व्यापार तो है नहीं, लेकिन कुछ लोग व्यापार बनाने का शौक रखते हैं, तो जिनको लगता है कि धर्म प्रचार भी व्यापार का विषय है वो ऐसी गलतियां कर देते हैं। और एक मोनोपोली, एक अपना एक अधिकार स्थापित करने का प्रयास कि भाई भक्त तो हम हो सकते हैं, यद्यपि अगर भगवान राम का इतिहास देखें तो वो भगवान राम जिन्होंने केवट को गले लगाया, शबरी के जूठे बेर खाए, उनके ऊपर कोई जाति का आक्षेप लगाए तो बड़ा ही दुखद लगता है, बड़ा ही आपत्तिजनक लगता है, और कहीं से कोई कथा जोड़ दी गई रामायण के अंदर और कुछ कह दिया गया तो वो सब बड़ी विचित्र बातें हैं। लेकिन सदियों से जो कथाएं चलती आ रही हैं शबरी की, केवट की, जटायु की, जटायु प्रसंग की हम कथा सुनते हैं, अहिल्या की कथा सुनते हैं, कैसे अहिल्या उद्धार श्री राम कर रहे हैं, एक नारी को सम्मान दिला रहे हैं जो कि परित्यज्य हो चुकी थी समाज से, उनके ऊपर तो जाति का आक्षेप कभी लग नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जो है समाज के लोग ऐसा करते हैं, और उस समय ब्राह्मणों ने, कई ब्राह्मणों को मैं नहीं कह सकता कि सभी ब्राह्मणों ने, क्योंकि पंडित शारदानंद जी जिन्होंने संत रविदास को शिक्षित किया, अपनी पाठशाला में प्रवेश दिया, वो भी एक ब्राह्मण थे। सब एक जैसे नहीं होते, सबको एक उसमें हम नहीं रह सकते। हाँ, कुछ गलत लोग भी होते हैं जो गलत समझ लेते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। भक्ति तो स्वतंत्र सुखों की खान है, इस पर किसी की पाबंदी नहीं होती, इस पर किसी का एकाधिकार नहीं होता, ना किसी जाति का, ना किसी संस्था का, ना किसी समाज का। ये तो स्वतंत्रता का विषय है और आंतरिक जगत का विषय है। लेकिन प्रश्न उठता है, कोई मोनोपोली, कोई एकाधिकार, कोई समाज या कुछ जाति के लोग या किसी संस्था के लोग, तब जाति की बात ही, आज के परिवेश में लाए देखें तो हमारे देश में बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई हैं, और वो सारी संस्थाएं, मैं कई संस्थाओं के मुखियाओं के प्रवचन सुनता हूं और उनके देखता हूं, वो क्या बोलते हैं कि आप यहां पर बैठे हुए हैं ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि जो हमारी संस्था में बैठे हुए हैं आप, यहां पर कोई ऐसे नहीं आ सकता है, इस तरह की बातें कई जगह पर मिलती है।
वैसे आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता हमें अध्यात्म की है, आवश्यकता हमें हमारे आत्मिक कल्याण की है। आत्मिक कल्याण क्या है, मोक्ष क्या है? बड़े बड़े बातें कह देते हैं, हम तीर्थ यात्रा भी करते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं, लोग मोक्ष के लिए करते हैं, मुक्ति के लिए करते हैं, लेकिन है क्या ये? विषय क्या है ये? मुक्ति क्या है ये? मोक्ष क्या है? तो करना तो आत्मा का कल्याण है, वो भी आत्मा से करना है, अंदर से करना है, विकार हमें त्यागने हैं। फिर ये बीच में ये संस्थाएं और उनकी मोनोपोली क्या कहती है कि भाई हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हम ही करेंगे, कोई दूसरा कैसे कर सकता? जो दूसरे जितने भी कर रहे हैं सब पाखंडी हैं, उनके अंदर ये कमी है, उनके अंदर वो कमी है। जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं या फिर उन संस्थाओं के जो मुखिया हैं तथाकथित कोई भी हो, वो अपने अनुयायियों को समझाने में लगे रहते हैं कि सारे पाखंडी हैं और हम सही हैं। और एक मोनोपोली, एक एकाधिकार, जैसे धर्म पर उनका एकाधिकार हो, ऐसी बातें करते हैं, जैसे ज्ञान के ऊपर एकाधिकार हो। अरे ज्ञान अंतर जगत का विषय है, मेरे पास है तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। आपके पास है तो आपसे मैं नहीं ले सकता भाई, वो तो साधना का विषय है। आप साधना कीजिए, साधना के मार्ग पर आगे बढ़िए और अपना कल्याण कीजिए। आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास विचार है, आप दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं कि वो भी आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर चले। आप प्रेरणा दीजिए, आप दीजिए उनको, आप अपना कल्याण करें, आप समाज का कल्याण करें। ये आपका विषय है कि आप कितना जानते हैं और कितना समझते हैं, कितना इसकी गहराई में उतरे हुए हैं और कितने अपने अनुभव से इसको जानते हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति का विषय है, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक कल्याण, ये प्रत्येक व्यक्ति का विषय है। फिर ये संस्थाएं, आवश्यकता किसकी? हाँ, गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के तो कुछ हो नहीं सकता है, गुरु की आवश्यकता है। तो जब गुरु की, उपनिषद भी कहते हैं कि इस ज्ञान को कोई नहीं बता सकता, ना बहुत सुनने से, ना बहुत पढ़ने से, ना बहुत जो है प्रवचन कर लेने से, कोई नहीं, इस बस एक जो जानता है वो इसे आपको दे सकता है। आत्मा का ज्ञान, स्वयं को जानना जिसे कहते हैं हम, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ज्ञानम ते अहम स विज्ञानमिदं वाक्षांशश्च, अर्जुन मैं तुझे ये ज्ञान विज्ञान सहित प्रदान करूंगा। यज ज्ञात्वा नेहं भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते, इसको जानकर कुछ और भी जानना शेष नहीं रहता है, मैं तुझे वो ज्ञान प्रदान करूंगा। तो श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं अर्जुन को, और ये ज्ञान है क्या? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम गियम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टतम, सबके हृदय में मैं रहता हूं। तो जो भगवान सबके हृदय में रहते हैं, जो हृदय में जो ईश्वरीय शक्ति है हमारे, हम अपने घट के भीतर उसका दर्शन करते हैं, वो घट का विषय है, वो बाहर का विषय नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा है मनुष्य का अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग हो जाती है कि भाई ये है, वो है, ऐसे शक्ति है, और वो उसके बंधन में बहुत कुछ आदमी सोचता है। हालांकि बहुत गहरा विषय है और YouTube चैनल में सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी बोला गया, उसमें भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं क्या होता है आखिर, किस तरह से बाधा उत्पन्न करता है। तो हम क्या सोच के बैठ जाते हैं, इमोशनली हम क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही चीज हमको दिखनी शुरू हो जाती है, वही चीज हमको अच्छा लगने लग जाता है, लगता है यही सही है। फिर तो इमोशनल केजिंग होती है संस्थाओं के द्वारा, समाज का इमोशनल केजिंग मतलब भावनात्मक कारागार में एक बांधने का प्रयास लोग करते हैं। अब फिर भय, डर, एक डर बैठ जाता है कि हमने कहीं कुछ किया ऐसा, हम जो संस्था से जुड़ेगा, जो संस्था का लॉकेट पहनेगा, जो संस्था का लेबल लगाएगा, वही तो भक्त है, क्योंकि संस्था के पास सर्टिफिकेट देने की ताकत है, वही तो किसी को भक्ति का सर्टिफिकेट दे सकता है, दावा कर सकता है। और अगर आप इन संस्थाओं के विरुद्ध हो जाओ, अगर आप इनकी सच्चाई बोल दो कहीं पर, तो ये संस्थाएं जो बाहर से अंदर से धर्म का प्रचार कर रही हैं, वो आपको रोकने के लिए, वही बात जो ब्राह्मणों ने संत रविदास को रोकने के लिए कुछ भी किया, उनकी हत्या तक करने के प्रयास की, वैसे कुछ भी, एनी क्रिमिनल एक्टिविटी आज हमारे देश में जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, कई संस्थाएं हैं, एक की बात नहीं की जा सकती है, एनी क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई इस व्यक्ति को रोको, इसे मारो, ये हमारी संस्था में रहता था, हमसे सीख कर गया और फिर जो है प्रवचन कर रहा है, ये करेगा प्रवचन, और उसको जो है मारो,
किडनैप करो, पॉइजन दो इसे, एक्सीडेंट करवा के मरवा दो, और फिर ये संस्थाएं ना जाने क्या क्या नहीं करती, नीच से नीच हरकत, नीच से नीच हरकत करने के लिए तैयार हो जाती, किस लिए? अपनी मोनोपोली को प्रूफ करने के लिए कि हमारे पास कोई दिव्य शक्ति है और हमारे पास एक अधिकार है, धर्म का एक अधिकार, ज्ञान का एक अधिकार हमारे पास है। अपनी संस्थानगत मोनोपोली को प्रूफ करने के लिए कुछ भी नीच से नीच हरकत करने के लिए तैयार हो जाती है और करती भी है। कितने मर्डर करवा देंगे, कितने किडनैपिंग कर लेंगे, तो ये क्यों? अपने आप को प्रूफ करने के लिए। और जितना भी विश्व का इतिहास है, आप विश्व इतिहास देखिए, धर्म के नाम पर खून बहा है तो मोनोपोली सिद्ध करने के चक्कर में बहा है। यूरोप के इतिहास में देखिए, यूरोप में एक बार कई कहते हैं कई लाख महिलाओं को एक बार जिंदा जला दिया गया एक साथ। किसने जलाया? धार्मिक लोगों ने जलाया, क्रिश्चियनिटी के लोगों ने। कई बार कैसी एक में कई ऐसी घटनाएं हैं, काल मार्क्स नास्तिक बन गया, क्यों बन गया, यही सब कारण थे उसके, कि धर्म के नाम पर एक समाज को डराना, भयभीत करना और एक मोनोपोली एस्टैब्लिश करने की कोशिश, उनको एक इमोशनल केज में, उसके भय में बांधना। संत रविदास इस भय से पहले से मुक्त थे, ये पाप लगेगा वो पाप लगेगा मुझको ना बताओ कि क्या पाप लगेगा और क्या नहीं लगेगा, कर्म का फल मिलेगा बस, यही सत्य है, जो आप कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, वो बुरा है अच्छा है इस समय बताएगा। आप समाज कल्याण करेंगे, आप परोपकार करेंगे, दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करेंगे और वो पाप हो जाएगा सिर्फ इस कारण से क्योंकि आप ने किसी संस्था के विषय में कुछ कह दिया या उस संस्था को आप से आप अलग हो गए और फिर आप लग गए जो है हमारी संस्था के नाम पर। आप काम करोगे तो आप धार्मिक हो, नहीं तो नहीं धार्मिक हो, इस तरह का लेबल देने वाली जो चीजें हैं, जो संस्थाएं हैं और इस तरह का मोनोपोली, वही संत रविदास ने एक संघर्ष अपने जीवन में देखा। वो जो एक अधिकार स्थापित करने वाली जो बात है, इस तरह का जो कार्य है, वही सबसे बड़ा महापाप है। जब धर्म के नाम पर आप समाज को लूटते, धर्म के नाम पर आप संस्था, हम तो बिजनेस नहीं करते, हम तो व्यापार नहीं करते, हम तो ज्ञान का प्रचार करते हैं भाई, कहते कहते पता चलता है कि लोग इकट्ठे हो गए बहुत सारे, साबुन बेचना शुरू किया, फिर तेल बेचना शुरू किया, फिर फेस पैक बेचना शुरू किया, फिर मोमबत्तियां बेचनी शुरू की, बेचते बेचते पता नहीं क्या क्या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का बिजनेस, दूध टॉयलेट क्लीनर और जो है ग्लास क्लीनर टॉयलेट क्लीनर वो भी बिकने लगे। फिर अब बिकते बिकते सब तो गुरु जी का प्रसाद है, ये नहीं बेचेंगे तो संस्था कैसे चलेगी? तुम्हारा उद्देश्य धर्म का प्रचार है ही नहीं, तुम्हारा उद्देश्य तो संस्था चलाना है, यही तुम्हारा उद्देश्य है, इससे आगे तुम नहीं हो कुछ भी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो, लोगों के कल्याण से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, किडनैपिंग करो, हत्या करो, जो विरोध में बोलता है उसको वो करो, ये कैसा धर्म है, ये कैसा धर्म प्रचार हो रहा है हमारे देश में? अपना अपना मोनोपोली जो है एस्टैब्लिश करने में धर्म के नाम पर लोग लगे हैं, लेकिन धर्म यह विषय नहीं है, धर्म आत्म जागृति का विषय है, धर्म आत्म ज्ञान का विषय है, धर्म आत्म अनुभूति के विषय है। हाँ, एक आध्यात्मिक प्रेरक, एक आध्यात्मिक प्रेरक हमें चाहिए जो गुरु के रूप में हमें आए और हमारे भीतर की अंदर की जागृति करे, उसके बाद काम आपका है, आप ध्यान साधना, आप ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे, लेकिन ज्ञान के मार्ग पर तभी नहीं चलेंगे जब आप संस्थाओं का प्रोडक्ट खरीदेंगे, तभी नहीं चलेंगे। ये नहीं कि जिसने कि भाई 1,00,000 दान डोनेशन दे दिया भाई ये तो बहुत बड़े, जिसने 1,00,000 दे दिया वो बहुत बड़ा भक्त बन गया, उसका नाम अनाउंस करो माइक के ऊपर, ये करो वो करो, ये तो क्या है भाई, ये कोई धर्म है क्या? और जो एक नहीं दे पाया बेचारा, वो तो भक्त हो ही नहीं सकता, वो हमारे किस काम का? तो संस्थाएं तो ऐसी चलती है लेकिन धर्म ऐसे नहीं चलता, धर्म ऐसे नहीं चलता। इसलिए हमें धर्म को समझना है, आत्मज्ञान को समझना है, ये आपके भीतर है। जब आप भीतर से जान जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, घट के भीतर उस ज्योति को देख लेंगे, अंदर में ध्यान, बुद्ध ने साधना का मार्ग दिखाया, महावीर ने साधना का मार्ग दिखाया, उस साधना में आपको लीन होना है, वो करना है, वो किसी संस्था का लेबल लगेगा तभी साधना होगी और तभी चेतना विकसित होगी, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ, ना शास्त्र में लिखा है और ना ही ये सत्य है, ये पूर्णतः असत्य है। इसलिए विचार करने वाली बात है, अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं
सभी लेबल को हटा दीजिए, जितने भी लेबल आपके ऊपर लगे हैं, जाति का लेबल, उसका लेबल, कई तरह के लेबल हमने लगा लिए, संस्थाओं का लेबल हटाओ, मुक्त हो जाओ, फिर बैठो एकांत, कोई नहीं है तुम्हारा, फिर ध्यान करो, फिर देखो चेतना कैसे विकसित होती है, फिर ध्यान का आनंद कैसे बढ़ता है। नहीं तो संस्थाएं लेबल लगा देती हैं और चार लोग आपको भक्त मान लेते हैं कि भाई इस संस्था से जुड़े हैं, ये तो भक्त हैं, या इस संस्था के प्रचारक हैं, तो ये तो भक्त ही हैं। मात्र लेबल जुड़ जाने से अगर आपको कोई भक्त कहता है तो ये ढोंग है, पाखंड है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है ये। इसलिए मुक्त करो स्वयं को अगर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो तो, नहीं तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, दोनों चले गए। लग तो रहा है कि हम सन्यासी बन के आश्रम में बैठे हुए हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा, हो वही के वही, तरह तरह की दुविधाओं में फंसे हुए हो, कुछ मिल कुछ नहीं रहा है। लग रहा है कि हम कहीं पर आश्रम में बैठे हैं, लेकिन नाम तो मिल रहा है ना कि भाई हम भक्त हैं, बने चाहे ना बने नाम मिल रहा है, लेकिन कब तक नाम मिलेगा, ये विचार करने वाली बात है। इसलिए सोचिए, गहराई से विचार कीजिए, और आत्मज्ञान, स्वयं को जानना, स्वयं को जानना किसे कहते हैं, ध्यान कैसे करना चाहिए, आगे की हमारी जो वीडियो आएगी, आगे का जो आएगा उसमें आपको बताया जाएगा, इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा। किसी भाई ने कहा था कि आप इस विषय में, पाखंड के विषय में थोड़ा बताएं कि आजकल हमारे देश में बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं और सब अपने आप को श्रेष्ठ कहती हैं, सब एक दूसरे को गलत बताती हैं, एक दूसरे के साधना को, एक दूसरे के ज्ञान को गलत बताती हैं, स्वयं को श्रेष्ठ कहती हैं। तो एक की बात नहीं कह रहा मैं प्रूफ प्रमाण भी दे सकता हूँ, कईयों के सभाओं में गए, कईयों के सभाओं को टीवी चैनल के माध्यम से देखा, सब ये बात कहते हैं कि आप यहाँ पर हमारी संस्था में, हमारे इस दरबार में बैठे हैं, आप अहो भाग्य हैं, आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली हैं क्योंकि आप यहाँ हमारी संस्था में बैठे हुए। ये एक संस्था नहीं, कई संस्थाएं, कई आध्यात्मिक संस्थाएं हमारे देश में इस तरह की बातें करती हैं और लोगों को एक थोड़ी सी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे देती हैं और लोग समझने लग जाते हैं कि वाकई में हम भक्त हैं बहुत बड़े। किसी संस्था में आप जुड़ जाने से कोई भक्त नहीं बन जाता, कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञान अंतर जगत का विषय है, इसलिए लेबल हटाइए और भक्ति कीजिए, तब जाकर जो है दुनिया के नजरों में भक्त बनना आसान है। प्रभु के नजरों में हम भक्त बन पाए, प्रभु हमें अपना भक्त स्वीकार कर पाए, वो हमसे जुड़ पाए, ये सरल नहीं है। उसके लिए तो कई संघर्ष, कई प्रक्रियाओं से, विरोध की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाकर हो पाता है। इसलिए गहराई से इस विषय को समझें, और ज्यादा मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं कमेंट में और पूछ सकते हैं कि भाई इस विषय में कुछ बता दें, ऐसा जो हो रहा है तो देखा जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। बाकी कुछ लोगों ने स्वयं को जानो का क्या अर्थ होता है, आत्मज्ञान से क्या संबंध है इसका, और ध्यान कैसे करना चाहिए, थोड़ा बहुत इसकी चर्चा अगले आने वाले वीडियो में वो अपलोड होंगी, आप उसे जरूर देखें, सब्सक्राइब करें और इसका पूरा पूरा लाभ इन विचारों का उठाएं। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ विराम दूंगा। धन्यवाद।